और मैं आपको सावधान करने आया हूं, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। कई ऐसे लोग बीजेपी द्वारा आपके बीच में छोड़े जाएंगे। कोई इनेलो के नाम पे आएगा, कोई जेजेपी के नाम पे आएगा। जैसे पिछली बार जेजेपी पार्टी की 10 MLA आए, जब बीजेपी को करो जमना पार, बाद में बना दी बीजेपी की सरकार, आपने देखा। इस तरह के लोग आएंगे, कोई इनेलो का आएगा, कोई जेजेपी का आएगा, कोई क्या बना रहे हैं पार्टी, हरियाणा कौन सी पार्टी या का कैंडिडेट, जनसेवक, कई जनसेवक के नाम पे आएंगे। केवल कई बीजेपी के इशारे पे, कई जेजेपी से, कोई इनेलो से, कोई जनसेवक पे, कोई निर्दलीय, केवल एक लक्ष्य के साथ आएंगे। जो सत्ता का खेल पिछले 10 साल में आपने देश में देखा कि लोगों का कोई भी फैसला हो, लेकिन बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करके लोगों की जन भावनाओं की पीठ में छुरा घोप के, जो 2019 में जैसे इन्होंने सरकार बनाई, सारे निर्दलीय, सारी ये छोटी मोटी पार्टी, कोई कांडा की पार्टी, कोई जनसेवक पार्टी, कोई जेजेपी, सारी लाइन में लग के बीजेपी को समर्थन देके सरकार बनाने का काम इन लोगों ने किया। और आज भी इस तरह की बात जो भाई, तो भाई ऐसे साजिश और षड्यंत्र में तो नहीं आओगे। एक एक वोट मेरे भाई बलराम को जो एक एक वोट जाएगी, वही वोट मेरे को आएगी, मैं आज ये कहना चाहता हूं। वही एक एक वोट हरियाणा में बदलाव लाएगी। जो एक एक वोट बलराम को जाएगी, जो एक एक वोट हाथ के निशान पर जाएगी, वही एक एक वोट दीपेंद्र को जाएगी और हरियाणा में बदलाव लेके आएगी कांग्रेस की सरकार। भाई मारी कड़ में मजबूत राखियो, कोई कड़ पे वार ना कर जाए, कोई भी आदमी कोई इस तरह की बीजेपी के इशारे पर वोट काटने की अपने खुद के स्वार्थ में बातें करके मारे कड़ पे, भाई मारी कड़ मजबूत तम राखियो, थारे खातर छाती हम उड़ा देंगे।